ये मेरा नेचुरल फेस है। नहीं खाएगा? नहीं, मैं भी खाऊंगा भाई। मैं लगा ऐसे मेरा है ये। ओ नहीं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिरीष आकांक्षा व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। थोड़ी ठंड बढ़ रही है, ठीक है, चलेगा। एंड आज थोड़ा लेट था मेरा ऑफिस, क्योंकि कुछ इश्यूज आने लगे थे, प्रोडक्शन इशू कभी भी आ सकता है, तो वो फिनिश किया। और फ्राइडे था तो हमें लगा कि कुछ तो करते हैं, तो ऐसे ही हमने सोचा क्या करना है कि बहुत दिनों से हमने कुछ बाहर का खाया नहीं है ना, तो सोचा चलो आज ऑर्डर करते हैं। तो बाहर खाने तो नहीं जाएंगे हम, डाइन इन तो नहीं करेंगे, तो बस पिकअप करके आना है हमें। तो आकांक्षा ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, राइट? यस। तो पूछते हैं क्या ऑर्डर किया है। मैंने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस एंड गोभी मंचूरियन। ऐसा क्यों? फ्राइड राइस, फ्राइड राइस, टफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस। मैंने आउट ऑफ सिलेबस क्योंकि मैंने शिरीष को बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे कि क्या खाना है, इटालियन कुछ पास्ता या फिर इंडियन या क्या, तो शिरीष ने बोला था कि चाइनीज इंडियन टाइप का कुछ खाना है, तो फ्राइड राइस थोड़ा वैसा होता है, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया है। एंड गोभी मंचूरियन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट। मुझे इसलिए फ्राइड राइस याद था क्योंकि रिसेंटली उसकी वीडियो देखी थी ना, रणवीर बरार की, जो घर पे फ्राइड राइस बना रहा था वो। हाँ हाँ। बट हमने घर पे नहीं बनाए, हमने ऑर्डर किया। तो चलो चलते हैं। ठीक है, सो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा ऑर्डर पिकअप करने इंडियन रेस्टोरेंट पे। हमने जो खाने का ऑर्डर दिया है तो वो मैसेज आया है कि वो रेडी हो गया है, तो हम अभी जा रहे हैं उसे पिकअप करेंगे। तो हमारे घर से ये जो रेस्टोरेंट है ये है 12 मिनट्स की डिस्टेंस पे, तो 12 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। एंड वेदर अभी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ठंडा है बट इतना भी नहीं है। एक्चुअली लास्ट वीक तो काफ़ी गर्म था, मतलब 17-18 डिग्री सेल्सियस था, एंड अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा ठंडा हो जाएगा वेदर, तो लेट्स सी, हो सकता है स्नोफॉल भी हो, बट ये अभी तो हल्की हल्की ठंड है। एक मतलब हफ्ते गर्मी रहती है और फिर एक हफ्ते फ्रीजिंग होने लगता है। हाँ, वैसे मतलब इंडिया के हिसाब से तो 1 डिग्री भी बहुत ठंडा है। हाँ, बट हम लोग के लिए 1 डिग्री इट्स लाइक ठीक है, घूम सकते हैं। हाँ, यूएस में ऐसा होता है, यहाँ पे ये लोग एनर्जी सेविंग के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको रोड्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं दिखेगी। एंड अगर आप नेबरहुड्स में जाएंगे एंड सोसाइटीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ तो और भी कम लाइट्स होती है, क्योंकि ये लोग ऐसा एनर्जी सेव करने के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, तो ज़्यादातर आपको बहुत जगह अंधेरा दिखेगा। वैसे भी यहाँ पे लोग येलो लाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं और घर में डिम लाइट रखते हैं, जैसे अपनी आदत है ना, बड़े से वाइट लाइट, ढेर सारा, पूरा घर एकदम जगमग जगमग तिलमिलाता हुआ, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग घर आने के बाद रेस्ट मोड में चले जाते हैं, मतलब हल्की सी लाइट करेंगे, टीवी भी चला लेंगे, कुछ तो मैच वगैरह मस्त सा देखेंगे, मतलब इनको आदत है बहुत कम लाइट में। हाँ, तो मतलब इंडियंस को अपन को आदत है वाइट लाइट की, तो हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है येलो लाइट वाला कॉन्सेप्ट, तो इसलिए जो भी ज़्यादातर इंडियंस है जब भी घर में मूव होते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सारी येलो लाइट्स निकाल के वाइट लाइट्स लगाते हैं,
तो हम लोग भी जब भी घर में मूव होते हैं कोई भी, तो हम भी ऐसे ही करते थे अभी तक, क्योंकि हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता है येलो येलो डिम लाइट में रहना, तो या बट ऐसा बोलते हैं कि उस वो आँखों के लिए ज़्यादा बेटर है येलो लाइट। हाँ येलो लाइट, इसलिए हमने तो अपने घर में कलर लाइट्स लगाई है ना कि वो डिम कर देते हैं कभी कभी। हाँ तो हम कभी उसको डिम कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। ये रहा वो रेस्टोरेंट, अच्छे सजाए हैं। हाँ अच्छी लाइट्स वगैरह, लाइट्स वगैरह लगाए हैं। गार्निश इंडियन फ्यूजन वाइड व्यू कलर। कार्स तो काफी है, मतलब डाइनिन है शायद इधर। ओ डाइनिन है क्या, हम तो पिकअप के लिए आए हैं बस। हाँ अपना पिकअप है क्या ये पिकअप? चलो हो गया पिकअप जल्दी से। क्या हो गया, इसे लंगड़ी क्यों चल रही है? अरे 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 दादी जी, पैर दर्द कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पैर दर्द? जिम ज्वाइन किया है। बैठ जाएगी ना ऊपर? मैंने अपनी एक नेल पेंट की बॉटल यहीं रख ली है कार में, ये देखो, क्योंकि मेरे को घर पे लगाने का टाइम नहीं मिलता है, कहीं जाना होता है, मैं कार में नेल पेंट लगाती हूँ। अच्छा, टाइम का यूटिलाइजेशन। हाँ हाँ, पूरा मेकअप स्टूडियो खोल ले यहाँ पे गाड़ी के अंदर। मेकअप तो मैं करती नहीं ना। ओह, मैंने एक साल से मेकअप ही नहीं लगाया है। बहुत अच्छा, नेचुरल नेचुरल फेस है ये मेरा नेचुरल फेस है। तू नहीं खाएगा? नहीं मैं भी खाऊंगा भाई। मैं लगाए से मेरा है ये। ओ नहीं नहीं, ये हमारा वाइप्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा मास्क हैं, मतलब कार इज कोविड रेडी और बाकी के मास्क इधर हैं। तो चलते हैं घर, जल्दी खाना ठंडा हो रहा है। खाना ठंडा हो रहा है। तो चलो ओपन करके देखते हैं। वाओ, ये है गोभी मंचूरियन, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एंड ये है फ्राइड राइस। तो अब तो मुझे प्लेट पे आ गया है खाना, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, तो हम फटाफट खाते हैं एंड फिर आपको बताएंगे कि कैसा था ये आज का हमारा जो डिनर था। तो चलो लेट्स ईट। वो तो मैंने चार चार प्लेट कश्मीरी बिरयानी खा ली थी, इसलिए आपको आपके रिसेप्शन पर पेट भरते खाना मिला था। मेरे तो डिनर प्लेट के पैसे ही वसूल नहीं हुए डैडी जी। वो केटर से कितना लड़ी थी मैं, फिर भी उस कमीने ने 300 रुपए वापस नहीं किए मुझे।
बेटा, अपने वेडिंग रिसेप्शन का डिनर पैसा वसूल करने के लिए नहीं होता। गाइस, हमारा डिनर तो हो गया है एंड बहुत ही टेस्टी खाना था। मतलब फ्राइड राइस और गोभी मंचूरियन खा के इतने टाइम बाद बहुत मज़ा आ गया। अभी भी कुछ बचा है, राइस वगैरह शायद, है ना? तो वो देखते हैं, कल खाएंगे। बट अभी तो हम टीवी देख रहे हैं एंड रात के अभी 11 बजने वाले हैं, तो अब हम थोड़ी देर में सोने जाएंगे एंड फिर आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी कल सैटरडे मॉर्निंग में मिलते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल रात को हम लोग डिनर किया जो हम लोग लेके आए थे इंडियन रेस्टोरेंट से, एंड उसके बाद हम लोग सो गए थोड़ा टीवी देख के। एंड अभी मॉर्निंग में उठे, हमने उपमा खाया एंड अब मैं अपना लंच कुक करने के लिए जाने वाली हूँ। एंड उसके पहले अभी हम लोग जूस पियेंगे। तो जूस बेसिकली हम अर्ली मॉर्निंग नहीं पीते क्योंकि ठंडा होता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि आफ्टरनून अराउंड जूस पिए। तो ये जो ऑरेंज है ये यहाँ पे है एंड थोड़ा जूस ऑलरेडी निकाल लिया है, तो अभी बाकी का जूस निकालते हैं एंड फिर पीते हैं। अभी जूस तो मेरा थोड़ा बहुत बचा है पीने के लिए एंड अब मैं उसके बाद लंच बनाने जाऊंगी। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज श्री शकांक्षा व्लॉग्स। बाय बाय।